Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to cover MS PowerPoint lecture presentation. Okay. In this lecture, we will cover that how you can solve the question related to the PowerPoint in BSc IT final exam. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे एम एस वर्ड के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, के वाई पी फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नियर अबाउट ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था एम एस वर्ड से रिलेटेड, और वो सारे क्वेश्चन आपके क्या थे जो कि फाइनल एग्जाम में तो पूछे जाते ही, उसके अलावा आपके के वाई पी के लैब सेशन में भी वो सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने उन दोनों के फीडबैक को कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया जो आपके प्रैक्टिस के काम आएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आपका सी आई टी का रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो पावर पॉइंट का टॉपिक है, इससे पहले एमएस वर्ड था, और इसके बाद हम लोग जो कवर करेंगे वो एमएस एक्सेल से रिलेटेड होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट के इस क्वेश्चन के, सारे वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन द सेकंड स्लाइड एंड राइट इन्फॉर्मेशन इन देम। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना है, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ उसमें एक ब्लैंक स्लाइड और इंसर्ट करना है, उसके बाद उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, तो कौन सा टेक्स्ट आपको लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन वर्ड जो है इसको हम लोगों को उस स्लाइड के मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है, टाइप करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करना है, एक स्लाइड ओपन करना है, सिंपली एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करना है। ब्लैंक स्लाइड कहाँ चूज होता है, यहाँ से ये ब्लैंक स्लाइड ओपन किया, इसके अंदर हमको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है। तो टेक्स्ट बॉक्स सिंपल बोल रहा है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर क्या टाइप करना है, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे कॉपी करेंगे वहां से और यहाँ पेस्ट करेंगे तब ये लिखा जाएगा। कॉपी पेस्ट का तो पता ही, आपको कंट्रोल सी करना होता है, कंट्रोल वी करना होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। जैसे हम लोग इसको इसको हम लोग ना लिख के बल्कि यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्लिक करने को डबल क्लिक करने भी हाईलाइट हुआ था, कॉपी कर तो उसका ले आगे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप करना आता है, अगर आपका टाइपिंग स्पीड सही है तो आप टाइप कीजिएगा, और अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप टाइप करने के जगह डबल क्लिक कीजिएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, कॉपी कीजिएगा राइट क्लिक से और ले आगे वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसर्ट टू एडिशनल ब्लैंक स्लाइड्स इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड सेलेक्ट ऑल द स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। कह रहा है कि दो स्लाइड इंस्टॉल मतलब नया दो स्लाइड इंसर्ट करना है उसमें जो प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद क्या करना है, ये सारे प्रेजेंटेशन को किसमें हम लोगों को व्यू करना है, कौन से प्रेजेंटेशन व्यू में देखना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन में देखना है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, दो ब्लैंक स्लाइड सबसे पहले इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट होता है, अगर स्पेशल टाइप का कहा जाए तो यहाँ क्लिक करेंगे तो स्पेशल टाइप का कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन टू कंटेंट, जैसा बोलेगा वैसा इंसर्ट करना है। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा इंसर्ट ब्लैंक स्लाइड तो सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। तो दो कह रहा था तो हम लोगों ने दो ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको व्यू करना है, व्यू किसमें करने के लिए कह रहा है, प्रेजेंटेशन व्यू कौन सा होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन व्यू, कौन सा, स्लाइड सॉर्टर व्यू करना कह रहा है, तो स्लाइड सॉर्टर में क्लिक कर दीजिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो द गिवन प्रेजेंटेशन इन नोट पेज व्यू, तो जो प्रेजेंटेशन है उसको नोट पेज व्यू में शो करना है, जैसे अभी हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू में शो किया ना, वैसे उसको क्या करना है, नोट पेज व्यू में शो करना है। तो ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, इसमें कोई अलग सा स्लाइड ऐड करने के लिए नहीं कह रहा, कह रहा सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को नोट पेज व्यू में ओपन कीजिए। तो नोट पेज व्यू कहाँ है, यहाँ है, इसको इस तरह से क्लिक कर देंगे, नोट पेज व्यू में चला गया। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट इन द गिवन प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लेआउट। कह रहा है लेआउट पे क्लिक करना है, और उसके बाद उसमें देखना है कि टाइटल एंड कंटेंट वाला कौन सा स्लाइड है, ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मेट जो है स्लाइड का टाइटल एंड कंटेंट वाला है, उस फॉर्मेट को वहां पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। एक स्लाइड इंसर्ट करना है हम लोगों को, उसमें क्या करना है, लेआउट पे जाना है, लेआउट पे जाने के बाद टाइटल एंड कंटेंट वाला डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, आप ब्लैंक स्लाइड चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर लेआउट पे जाएंगे, उसमें कौन सा है, टाइटल एंड कंटेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये टाइटल एंड कंटेंट ही लेता है। लेकिन अगर कोई और बोल दे, जैसे कहा जाए कि कंपैरिजन वाला लेआउट फॉलो कीजिए, यानी क्या है, आपको एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना है और उसमें एक लेआउट कौन सा डालना है, कंपैरिजन लेआउट, ये इस तरह से क्लिक करेंगे तो कंपैरिजन लेआउट। लेकिन कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, ये दो चीज में अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे आपको कहा जाए कि कंप्यूटर और टैबलेट में कंपैरिजन करना है, तो कंप्यूटर यहाँ लिखेंगे, टैबलेट यहाँ कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, लेआउट में आपको क्या करना है, टाइटल एंड कंटेंट वाला डालना है, यानी टाइटल ऊपर लिखा है, नीचे में कंटेंट, तो आप लेआउट में गए और उसको सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया टाइटल एंड कंटेंट। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा आप उसी को सेलेक्ट करेंगे, इधर उधर एक्स्ट्रा सेलेक्ट कीजिएगा या फिर कुछ और बोल रहा है कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
आगे जो है, इंसर्ट थ्री ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड अप्लाई पुश ट्रांजिशन इन ऑल द स्लाइड्स एंड मेक देयर वेरिएशन इफेक्ट फ्रॉम टॉप। सिंपल कह रहा है कि ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना, कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना, पुश ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है और वेरिएशन इफेक्ट कौन सा टॉप से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीन ब्लैंक स्लाइड अप्लाई इंसर्ट करना है। तो चलिए हम लोग खोलते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है तीन ब्लैंक स्लाइड, तो एक दो तीन हो गया। अब कह रहा है इसमें क्या करना है, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, कौन पुश ट्रांजिशन इफेक्ट। तो पुश ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ है, तो देखिए ये पुश ट्रांजिशन इफेक्ट है, ओके पुश ट्रांजिशन इफेक्ट लग गया। और इसको कहां से कह रहा है, फ्रॉम टॉप, तो फ्रॉम टॉप, ठीक है, पुश ट्रांजिशन फ्रॉम टॉप। तो ये हो गया पुश ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम टॉप, ओके। देखिए यही है यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपने इसमें अप्लाई किया और किया, आप लाइट वॉल कर देना है तो आप लाइट वॉल, ओके। जैसे ही आप कीजिएगा यहाँ पे, फिर देखिए मूव करके जब फर्स्ट आइएगा और जैसे ही F5 करके इसको स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट प्लेइंग लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसा आपने ट्रांजिशन अप्लाई किया, देखिए इस तरह से फ्रॉम टॉप, मतलब फ्रॉम टॉप ऐसा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। इंसर्ट टू ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड ऑल स्लाइड्स अप्लाई चेकर बोर्ड इफेक्ट एंड चेंज देयर वेरिएशन इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट। कह रहा है इसमें भी स्लाइड ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना है, कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट है, जो चेकर बोर्ड इफेक्ट है, और वेरिएशन कैसे होना चाहिए, लेफ्ट से। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा को ओपन करते हैं, कितना ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कह रहा है। तो छठा क्वेश्चन में देख लें कितना कितना ब्लैंक स्लाइड बोल रहा है इंसर्ट करने के, दो। तो सबसे पहले दो ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लीजिए, उसके बाद ट्रांजिशन बोल रहा है कौन सा, चेकर बोर्ड। तो यहाँ देखेंगे चेकर बोर्ड कहाँ है, चेकर बोर्ड नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिए, उसको ओपन कर लीजिए पूरा ताकि दिखाई दे, तो चेकर बोर्ड कहाँ है, तो यहाँ लिखा हुआ, ढूंढना पड़ता है, ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ पे लिखा रहता है, तब जल्दी हो जाएगा। चेकर बोर्ड ये, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और क्या है ट्रांजिशन कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट अप्लाई कर दिया, अप्लाई टू ऑल, सारे स्लाइड पे, तो अप्लाई टू ऑल, ओके। अगर एक स्लाइड पे बोलेगा सिर्फ, सेकंड नंबर स्लाइड थर्ड नंबर पे, तो सिर्फ उसी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन कहेगा अप्लाई टू ऑल तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे यहाँ पे, ओके। चलिए सेवन नेक्स्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक स्लाइड पे बोलेगा तो एक ही स्लाइड पे अप्लाई करना, सब पे नहीं, और अगर सब पे बोलेगा तब अप्लाई टू ऑल क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, इंसर्ट इसमें बोल रहा था इंसर्ट, ठीक है, इसमें स्लाइड नंबर अगर मेंशन रहेगा, यहाँ लिखा ऑन ऑल स्लाइड, इसीलिए हम लोग अप्लाई टू ऑल किया था, ठीक है। इंसर्ट एन एक्शन बटन नेम्ड होम इन द गिवन प्रेजेंटेशन एनीवेयर, कह रहा है जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है उस प्रेजेंटेशन के पेज पे होम एक्शन बटन को इंसर्ट करना है कहीं पर भी। चलिए सेवन को ओपन करना है, ये तो सिंपल आप लोग वर्ड में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वर्ड में भी रहता है एक्शन बटन को इंसर्ट करने के लिए। सिंपली इंसर्ट पे जाइए, शेप में जाइए, एक्शन बटन सबसे नीचे होता है, देखिए यहाँ होम है, इसको कहीं पे भी करना है, यहाँ पे कर दिया हम इंसर्ट, ओके ओके। सेवन नेक्स्ट, होम बटन हो गया, सिंपली इंसर्ट कर दिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, एट में क्या कह रहा है, इंसर्ट अ पिरामिड लिस्ट इन द गिवन प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। पिरामिड लिस्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, किसको यूज करके, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को यूज करके पिरामिड लिस्ट को इंसर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट को ओपन कर लेते हैं, सिंपली स्लाइड में क्या करना है, पिरामिड लिस्ट को इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो देखिए यहाँ आ गया, इसमें पिरामिड लिस्ट कहाँ है, तो पिरामिड लिस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये पिरामिड लिस्ट पिरामिड है, आप बोला पिरामिड लिस्ट, पिरामिड नहीं बोला बल्कि पिरामिड लिस्ट बोल रहा है, तो ये है आपका बेसिक पिरामिड, ये इन्वर्टेड पिरामिड, ये है पिरामिड लिस्ट, तो ये कह रहा करने के लिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये पिरामिड लिस्ट सर्ट हो गया, ओके। देवन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कॉपी कहाँ गया, क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड ऑफ स्लाइड नंबर एट, ठीक है, यानी कि एट नंबर स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कीजिए। हम लोग चलते हैं एट नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कितना है, डुप्लीकेट स्लाइड का नाइन है या नाइन, नाइन नंबर में कह रहा है ये चीज, नाइन नंबर में चलते हैं, और एट नंबर स्लाइड का इसमें डुप्लीकेट स्लाइड हम लोगों को इंसर्ट करना है। एट नंबर कौन है, ये है इसका डुप्लीकेट स्लाइड, तो राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर देना है। देखिए अब एट नंबर और नाइन नंबर सेम हो गया, हो गया, तो नाइन इज द डुप्लीकेट ऑफ एट, ठीक है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन नंबर में, कॉपी फाइव नंबर स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड इंसर्ट इट एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। कह रहा है पांच नंबर जो स्लाइड है उसको कॉपी कीजिए और उसको क्या कीजिए, एंड पे ले आके पेस्ट कर दीजिए, जो आखिरी आखिरी स्लाइड होगा उसके बाद जाके ले आके क्या कर दीजिए, उसका पेस्ट कर दीजिए। तो पांच नंबर स्लाइड कहाँ है, यहाँ है, इसको कॉपी करना है, तो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और लास्ट कौन स्लाइड है, टेन, तो टेन पे ले आएगा पेस्ट किया, तो वो अपने आप इलेवन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इलेवन देखिए, ये इलेवन पे आ गया, लास्ट स्लाइड के बाद सबसे आखिरी में करना था, सबसे आखिरी में जाके ये पेस्ट हो गया, ओके यहाँ रखा गया। सेवन नेक्स्ट, बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, फिल द सॉलिड रेड कलर बैकग्राउंड ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन। कह रहा है जो गिवन प्रेजेंटेशन है उसमें सॉलिड रेड कलर का बैकग्राउंड लगाइए, यानी पूरा प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए, सॉलिड रेड। तो हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड किसमें होता है आपको, डिजाइन में, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड कलर यहाँ दिखा रहा, सॉलिड फिल, कौन सा कलर कह रहा है, रेड, तो रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड है,
यहाँ पे ऑलरेडी रेड है, रेड कर दिया, सेम एंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड इसका रेड हो गया पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 का पुट द स्लाइड नंबर इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो गिवन प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड नंबर डालिए, ठीक है। तो पहले जो प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट रहता है उसमें स्लाइड नंबर नहीं रहता, देखिए स्लाइड नंबर यहाँ पे होता है, नहीं है कुछ लिखा हुआ, अभी क्या करें सारे में स्लाइड नंबर में स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे जाइएगा, स्लाइड नंबर यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए ये स्लाइड नंबर का ऑप्शन है, अप्लाई टू ऑल यानी सारे पे चाहिए, देखिए पहला स्लाइड पे फर्स्ट लिखा गया, सेकंड स्लाइड पे यहाँ पे टू आ गया, थर्ड पे थ्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्लाइड नंबर सारे स्लाइड पे इंसर्ट हो गया, ओके। सेवन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हाइड द सेकंड स्लाइड ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन, कह रहा है सेकंड स्लाइड को हाइड कीजिए, प्रेजेंटेशन में जो सेकंड स्लाइड है उसको हाइड करने के लिए कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, सेकंड स्लाइड देख लेते हैं कौन सा है, उसको हाइड करना है। तो सेकंड स्लाइड हमारा ये है, इसको हाइड करना है, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइड का ऑप्शन जो होता है सबसे नीचे होता है हाइड स्लाइड। तो देखिए हाइड करने पर यहाँ पर दिखाई देता है कि ये सेकंड नंबर कट हो गया, कट हो गया मतलब जब आप इसको प्रेजेंटेशन व्यू में चले जाइएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला जो सेकंड नंबर स्लाइड है वो हाइड हो जाएगा, फर्स्ट बार डायरेक्ट आपको थर्ड दिखाई देगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत तेज बता रहे हैं, ये तेज इसलिए नहीं है बल्कि आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहां पे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका स्पीड इससे ज्यादा होना चाहिए, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा, मैं तो यहाँ इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ये स्लो है, ठीक है। वहां आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बस बनाना है, टिक करना है, सेवन नेक्स्ट और कुछ नहीं, तभी आप 80 में 80 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। और मैं ये कह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया पूरा तो 20 से 25 मिनट में आप पूरा 80 क्वेश्चन बना लेंगे, इतना ईजी होता है। 20 मिनट बहुत है 80 क्वेश्चन बनाने के लिए, इतना ईजी होता है क्वेश्चन, ओके। सब सेम सेम, बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट ए न्यू स्लाइड पिक्चर विद कैप्शन इन द गिवन प्रेजेंटेशन, कह रहा है कि एक स्लाइड इंसर्ट कीजिए जिसमें कैसा स्लाइड होना चाहिए, पिक्चर हो और कैप्शन हो, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, और एक ओपन करते हैं स्लाइड जिसमें पिक्चर विद कैप्शन का लेआउट होना चाहिए। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि कैसा स्लाइड चाहिए हम लोगों को, पिक्चर विद कैप्शन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पिक्चर विद कैप्शन कहाँ पर लिखा हुआ देखिए, तो कैप्शन कंटेंट विद कैप्शन, ओके पिक्चर विद कैप्शन, ये ओपन कर लिए, देखिए यहाँ पिक्चर इंसर्ट कीजिएगा, यहाँ कैप्शन लिखिएगा, ये हो गया एक स्लाइड इंसर्ट कर दिया हम लोग जिसमें कैसा लेआउट है, पिक्चर विद कैप्शन का, ओके। 14 के बाद 15 में देखेंगे, रिमूव स्लाइड नंबर एंड डेट एंड टाइम फ्रॉम ऑल स्लाइड, कह रहा है कि 15 नंबर स्लाइड ओपन कीजिए, उसमें से क्या कीजिए, स्लाइड नंबर को भी रिमूव कीजिए और डेट एंड टाइम अगर मेंशन है तो उसको भी रिमूव कीजिए। तो देखिए ये स्लाइड को देखिए, यहाँ स्लाइड नंबर होता है, यहाँ डेट एंड टाइम होता है, 8/8/2021, ठीक है। तो ये सेम सेम दिखाई दे रहा, स्लाइड नंबर डेट एंड टाइम, जैसे रिमूव करेंगे जैसे इंसर्ट करके स्लाइड नंबर डाल देते हैं, वहीं क्या है ये चेकबॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा स्लाइड नंबर और डेट वाला, इसको अनचेक कर दीजिए यानी टिक को हटा दीजिए और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। देखिए सब में से डेट भी हट गया और स्लाइड नंबर भी हट गया, सेकंड में से भी देखिए, थर्ड में से भी देखिए, सभी में से डेट और स्लाइड नंबर सब हट गया, ओके। चलिए सेम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, इंसर्ट थ्री न्यू स्लाइड्स टू द गिवन प्रेजेंटेशन एंड शो देम इन आउटलाइन व्यू, तो कह रहा है कि तीन नया स्लाइड डालिए और उसके बाद उसको आउटलाइन व्यू में शो कीजिए, ओके। चलते हैं 16 में, तीन नया स्लाइड इंसर्ट करना है, तो 1 2 3 इसको व्यू कैसा करना है, आउटलाइन व्यू, तो आउटलाइन व्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू, ओके। सेवन नेक्स्ट कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ओके। 17 में क्या कर रहा है, इंसर्ट फाइव न्यू स्लाइड टू द गिवन पर्सन एंड शो देम स्लाइड रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू में इसको भी क्या करना है, व्यू करना है, किसमें, स्लाइड रीडिंग प्रेजेंटेशन व्यू में करना है इसको, ओके। तो कितना है, पांच न्यू स्लाइड, 17 में जाते हैं हम लोग, पांच न्यू स्लाइड पहले इंसर्ट कर देंगे और सबको किसमें करेंगे, रीडिंग व्यू में देखेंगे हम लोग, ओके। तो पांच कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, व्यू में जाएंगे और रीडिंग व्यू में देखेंगे, रीडिंग व्यू इस तरह का दिखाई देगा, ओके। चलिए सेव एंड नेक्स्ट में चलेंगे आगे, 18 को देखेंगे, इंसर्ट फोर न्यू स्लाइड इन द गिवन प्रेजेंटेशन, एडजस्ट द ट्रांजिशन इन सच ए वे दैट थर्ड स्लाइड अपीयर्स आफ्टर द फोर सेकंड इन द सेकंड स्लाइड। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते घर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करना है, क्या करना है, उनको समझ में नहीं आता, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि चार न्यू स्लाइड पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद ऐसा टाइम इफेक्ट मतलब टाइम इफेक्ट इसमें लगाना है कि आपको जो है थर्ड स्लाइड जो है, यहाँ थर्ड स्लाइड जो है वो सेकंड स्लाइड के 4 सेकंड बाद है, यही कह रहा है, यानी कि पहला स्लाइड पहले आए फिर सेकंड स्लाइड आए, पहला स्लाइड और सेकंड स्लाइड के बीच में कितना ड्यूरेशन होगा टाइम का, तो 2 सेकंड बाय डिफॉल्ट जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग प्रेजेंटेशन व्यू में देखते हैं सब में 2 सेकंड का गैप होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है आपको, वो 2 सेकंड का गैप बढ़ा के 4 सेकंड करना है, किसके किसके बीच में, 2 सेकंड स्लाइड से थर्ड स्लाइड पे जाने का टाइम। हम लोग सिंपली जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले कितना स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, थ्री न्यू स्लाइड ने कह रहा है, तो थ्री न्यू स्लाइड पर इंसर्ट करना कितना, चार, चार न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, चलिए चार न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लेते हम लोग, चार हो गया। फिर टाइम इफेक्ट कहाँ बोल रहा है, कह रहा है कि थर्ड वाला जो है वो सेकंड के 4 सेकंड बाद आना चाहिए, तो सेकंड में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे,
टाइम का इफेक्ट जो है सेकंड पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड के 4 सेकंड बाद थर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेकंड पे लगा देंगे, 4 सेकंड आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, ये थर्ड आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई टू ऑल नहीं करना है, अप्लाई टू ऑल करेंगे सब हो जाएगा, सब 4 4 सेकंड बाद आने लगेगा, लेकिन सिर्फ हमको क्या करना है सेकंड 4 सेकंड तक आए उसके बाद थर्ड आए उसके 4 सेकंड बाद। ओके चलिए फिर मैं नेक्स्ट कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ओके इन द सेकंड स्लाइड इंसर्ट एक्शन होम बटन, सिंपली कह रहा है सेकंड स्लाइड में जाइए एक्शन होम बटन को इंसर्ट कीजिए, तो सबसे सिंपल अभी हम लोग शायद इंसर्ट किया भी है, ध्यान नहीं रहा इस तरह क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो गया, मैं भी क्या करना है शेप पे जाना है, एक्शन होम बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इंसर्ट कर दीजिए। ओके हो गया, आगे बढ़िए। ओके सेवन नेक्स्ट, मे बी ये रिपीटेड हो देख लेना, रिपीटेड हो तो कोई बात नहीं, नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके डिलीट ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम द स्लाइड नंबर टू, स्लाइड नंबर टू भी इसमें ओपन करना है और जितना भी पिक्चर इसके अंदर होगा सबको डिलीट कर देना है सिंपली। स्लाइड नंबर टू कौन है ये, इसमें कौन सा पिक्चर, ये सारा पिक्चर दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट कीजिएगा डिलीट का बटन दबाइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा डिलीट का बटन, हो गया सारा पिक्चर डिलीट हो गया। सेवन नेक्स्ट, आगे क्या कर रहा है, इंसर्ट 4 न्यू स्लाइड्स इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड हाइड द सेकंड स्लाइड, कह रहा है 4 नया स्लाइड लगाइए और सेकंड को हाइड कर दीजिए, तो किसमें खोलेंगे हम लोग 4 नया स्लाइड इसमें डालेंगे और उसके बाद सेकंड स्लाइड को हाइड कर देंगे, 1 2 3 4 सेकंड को हाइड करना है, सेकंड पे जाएंगे हाइड कर देंगे, हो गया सेकंड हाइड हो गया, देखिए क्रॉस हो गया ये हाइड हो गया। ओके सेवन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिलीट पिक्चर्स फ्रॉम ऑल द स्लाइड, कह रहा है जो आपका स्लाइड है उसमें जितना भी पिक्चर है, मतलब सारे स्लाइड में जो भी पिक्चर है सबको डिलीट कीजिए, ऑल स्लाइड्स में जितना पिक्चर है सबको डिलीट कीजिए, तो पहला स्लाइड में ये पिक्चर लगा हुआ है तो सेलेक्ट करेंगे डिलीट का बटन दबाएंगे, सेकंड पे जाएंगे डिलीट का बटन दबाएंगे, थर्ड पे जाएंगे डिलीट का बटन दबाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे डिलीट का बटन दबाएंगे, हो गया सारा डिलीट। सेवन नेक्स्ट फिनिश्ड, तो इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन जितना भी है टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आपको इससे रिलेटेड है पावर पॉइंट से रिलेटेड है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद काफी अच्छा फील होगा कि आपने पावर पॉइंट का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया और आप इसको अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यानी सीआईटी को पास करने के लिए सिर्फ हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब आप रियल लाइफ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये सारा टर्म जो है, ये सारा क्वेश्चन जो है वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि कैसे आपको कहीं भी कोई शेप इंसर्ट करना है, कैसे स्मार्ट ग्राफिक का यूज करना है, कैसे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में, कैसे आप उसको रीडिंग व्यू में दिखा सकते हैं, कैसे स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखा सकते हैं, कैसे उसमें कुछ ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं यानी ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्लाइड आपका मूव करेगा, सब कुछ इसमें सिखाया गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगे और काफी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द